हाँ गए, हाय करो, हाय। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है बस क्लिक हो जाना चाहिए। नहीं। अस्सलाम वालेकुम, हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू इब्राहिम व्लॉग्स। होप यू गाइस आर ऑल फाइन। आज मैं फिर से आया हूँ थंग साइड पे, खेतों में घूम रहा हूँ। हर तरफ फुल अभी ग्रीनरी बाकी है, सरसब्ज खेत वगैरह अभी भी मतलब हरियाली बाकी है। ये हमारे रिश्तेदार के किसी का घर है, उनके साथ हमारा घर आता है इस साइड पे। यहाँ पे कोई सीढ़ी लगा के ऊपर शायद खुबानी उतारने के लिए आए हुए थे। स्टिल दो तीन दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं कौन से वाले हैं। सारे खुबानी उतर चुके हैं, सितंबर इस महीने तक सारे ख़त्म हो चुके होते हैं ना। आज मैं आया था दरिया के साइड पे। ये जब मैं आया था, आए हुए महीना से ज़्यादा आगे हो रहे हैं, पहले ये सारा भरा हुआ था, ऊपर तक पानी का लेयर ऊपर आया हुआ था, अभी काफ़ी नीचे चला गया है। मुझे आज टाइम मिला है, मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, क्योंकि हम बचपन में यहाँ पे आते थे निहाने के लिए। ठीक है, ये पत्थर वगैरह सही साफ सुथरा दिखता था, इधर तक पानी आता था, पानी का सतह भी काफी नीचे था, अभी के लिए ऊपर आया हुआ ना। और हवा चल रही है फिर से, व्हिच इज टू गुड। पता है इनमें मछलियाँ भी मिलती है, मछलियाँ अभी तो बिल्कुल धुंधला पानी है। मैं मछलियाँ आपको कहाँ पे दिखाऊँ। और सूरज देखे अंदाजा लगा लो टाइम क्या हो रहा होगा। Watch it get higher, down to the wire. Will you let it burn till we almost drown? Higher, goodbye, honey, where do we lie? Where you're headed, am I going there too? I don't wanna ask why, wanna give this a try. It's done guys, यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पानी के में थोड़ा खेलते रहा, हवा के थोड़े मज़े लिए, उसके बाद घर वापस जा रहा हूँ। अभी मैं थंग साइड आया हूँ ना, तो मुझे ऊपर घर वापस जाना है घर को। अम्मी लोग यहाँ पे आए थे काम करने, मैं भी आ गया था अम्मी लोगों के पास जब स्कूल टाइम खत्म हुआ। अभी के लिए मैं वापस जा रहा हूँ, आगे का सीन देखते हैं क्या बनता है। लेट्स गो। ओके गाइस, उसके बाद मैं आगे आगे आते हुए घर के करीब पहुँचा हूँ। बैकग्राउंड का मैं आपको नजारा करवाता हूँ। ये जगह को हम कहते हैं वो चंगबार अपने जबान में। ये एक तरफ से एक छोटा सा फॉरेस्ट है, इतने सरसब्ज नजर नहीं आ रहे, आई डोंट नो व्हाई। अच्छा, जो सैलाब आए थे ना उसके हल्के फुल्के असरात इधर भी हो चुके हैं। ये तो हमारा घर, इसका मैंने आपको दिखाया था सब कुछ। यहाँ इस साइड में गया था दरिया के साइड और उधर से वापस आया था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था नीचे मिनी जो गार्डन है ना, बागीचा, उसका मैं आपको शेयर कराता हूँ, जरा दिखाऊँ वहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई। छत से मैंने आपको दिखाया था। चलो आज एंटर ही हो जाते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये ताला तो मैंने खोला था, ताला मैंने खोला था, और इसको ओपन कैसे करना है। ओके जी, लेट्स गो। सबसे पहले मुझे कार्टून ने स्वागत किया। ये एक छोटा सा बगीचा है, ठीक हो गया। ये दरख्त आई थिंक उस चेरी के दरख्त हैं ये, और चेरी के पत्ते में अगर आपको दिखा तो पत्ते से हम नज़र लगा सकते हैं कौन से दरख्त है। और उसके बाद ये तो ये खुबानी के लग रहे हैं, आई थिंक ये खुबानी के दरख्त लग रहे हैं। चेरी को हम अपनी ज़बान में मेरे ख्याल से चेरी ही बोलते होंगे उसको भी। अच्छा, ये है शहतूत के दरख्त, शहतूत जो बहुत जल्दी चेरी के साथ पकता है और जल्दी ख़त्म भी हो जाता है खा के ना। शहतूत को ना हम अपनी ज़बान में कहते हैं उसे। और ये दिखा दूँ, ये दरख्त है बाबा जी अखरोट के दरख्त। अखरोट भी मेरे ख्याल से पके होंगे, अखरोट सारे उतार के ले गए, कल ही ले गए थे मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं भी यहाँ पे तीन चार और रहते होंगे, हाँ उधर एक पड़ा हुआ है। मे बी यू कैन सी देयर, ये रहा बाबा जी, दिख रहे ना। एक और दरख्त ये रहा, इसका क्या नाम है मुझे ख़ास अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन इसका फल ये है। अच्छा, इसको छटोल बोलते हैं वैसे हमारे ज़बान में मेरे ख्याल से, और उर्दू में क्या इसका नाम है मुझे ख़ास याद नहीं। इसका टेस्ट बहुत ही खट्टा होता है आई थिंक, हाँ खट्टा होता है। इसके ऊपर पता नहीं क्या चीज़ आया हुआ। मैं ये खाने आया था बेसिकली, इसको मैं धो के खाऊंगा, ऐसे नहीं खाना क्योंकि इनमें जरासीम बहुत हो सकते हैं। अच्छा बाबा जी, इसका नाम हमारे ज़बान में है मखौन बोलते हैं, मखौन। अच्छा मज़े की बात बताओ, ये किसी काम का नहीं है, हो सकते हैं इसके कुछ और काम हो या कुछ फ़ायदे वगैरह हो, आई डोंट नो उनके बारे में।
हमारे लिए बाबा जी किसी काम का नहीं है। एक अखरोट भी मिला है, ये होता है बेसिकली अखरोट। अरे बाबा जी ये अखरोट एक छिलका लग गया और ये अखरोट बाहर निकला, ठीक है। अभी ये बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अखरोट है, फ्रेश है बाबा जी, खा ले कुछ नहीं होगा। इधर एक और दरख्त है बाबा जी, इस साइड से कटा हुआ है बट ऊपर से फलदार है। इस पर कौन सा फल है वो मैं दिखाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड गाइस दिस वन इज, इस साइड से दिखाता हूँ आपको। ये मेरे ख्याल से आड़ू है आई थिंक, है ना। तो ये भी पका नहीं अभी, इसे मैं नहीं खा सकता अभी, सिर्फ मुझे जाके खाना है ये। और बस ये अपने मिनी गार्डन में ये कुछ है, नीचे कुछ सब्जियां मेरे ख्याल से लगी हुए हैं, मालूम नहीं ये कौन कौन से हैं। तो एंड आई हैव टू गो बैक होम, छोटा सा एक सफ़र था बस इतना सही, इसके बाद मैं जाऊंगा घर। फिर ट्यूशन के लिए कुछ लड़के आ रहे हैं तो उनको पढ़ाने का टाइम होगा, फिर तो मसरूफ़ है। बहरहाल जी व्लॉग करता हूँ यहीं पे एंड, कोई बात बुरी लगे तो माफ़ करना, अच्छी लगे तो सब प्यार दिखाते रहना। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब लाजमी करना, फेसबुक पे है तो फॉलो लाजमी करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़। गाय का एक स्वागत कर लो। हाँ गाय असरात मनफी, तुझमें डर है आई कैन सेंस इट, लेफ्ट यू ब्लडी जस्ट इमेंस।